मोर एक बहुविवाहित अथवा पॉलीगैमस पक्षी है। मोर को वयस्क होने में 3 साल तक का समय लगता है। इस टाइम तक उसकी पूंछ पूरी तरह से लंबी हो जाती है और उसमें चांद भी बन जाती है। ज़्यादा लंबी पूंछ और ज़्यादा चांद मोर के स्वस्थ होने की तरफ इशारा करते हैं, किंतु जब उसकी पूंछ छोटी होने लगती है तब यह उसकी वृद्धावस्था का संकेत देता है। एक नर मोर 4 से 5 मोरनियों के साथ जोड़ा बनाता है। मोर वृक्षों के ऊपर ऊंचाई के स्थान पर बैठना पसंद करता है, जबकि मोरनी धरती पर नीचे झाड़ियों में रहती है। मोरनी झाड़ियों में धरती पर कच्ची मिट्टी को चोंच मारकर खोदती रहती है और कहीं पर खड्डा पहले से हो या स्वयं ही खड्डा बनाकर उसको घास पत्तों से भर देती है। मोरनी घनी झाड़ियों में घोंसला बनाना पसंद करती है। वसंत से लेकर गर्मियों के आरंभिक समय में मोरनी को एक बड़े एरिया में सीमित रखा जाता है, क्योंकि यह टाइम अंडे देने का होता है। लेकिन एरिया यदि ज़्यादा बड़ा हो और मोरनी अंडों को पूरा टाइम नहीं देती हो तो अंडे या चूजे गुम भी हो सकते हैं, इसलिए पालतू मोरनी को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। अधिकांश मोरनियाँ अपने प्रजनन काल के पहले वर्ष में अंडा नहीं देती, दूसरे और तीसरे वर्ष के दौरान वे कुछ अंडे देती हैं। 4 साल की उम्र होने पर मोरनी 5 से 9 अंडे प्रतिवर्ष देती हैं। कौन सी मोरनी अंडा देने वाली है यह बात स्पष्ट पता चल जाती है, क्योंकि अंडा देने वाली मोरनी थोड़ी झुक कर चलने लगती है। भारतीय मोर और हरे रंग की मोरनी से स्पाल्डिंग नस्ल की मोर प्रजाति बनती है। स्पाल्डिंग मोरनी के अंडे साइज में थोड़े बड़े होते हैं। मोरनी के अंडे हल्के भूरे रंग के होते हैं, किंतु सफ़ेद मोर मोरनी के अंडे थोड़ा हल्का रंग रखते हैं। जोड़ा बनाने के बाद मोरनी वसंत काल में अंडे देना शुरू कर देती है। अंडे देने का सही समय मौसम पर निर्भर करता है। यदि मौसम गर्म हो तो ब्रीडिंग सीजन जल्दी शुरू हो जाता है। आमतौर पर मोरनी अप्रैल महीने के मध्य में अंडे देना शुरू करती है और प्रतिदिन शाम को एक अंडा देती है। यदि अंडे घोंसले से हटाए न जाएं, तो एक एक करके मोरनी 4 से 8 अंडे देती है। इन 4 या 8 अंडों को एक क्लच कहा जाता है। यदि चिड़ियाघर वाले अंडों को इंक्यूबेट करने के लिए घोंसले से हटा देते हैं तो मोरनी एक बार अंडे देना बंद कर देती है और कुछ दिनों के बाद एक एक करके फिर 4 से 8 अंडे देती हैं। इस प्रकार एक मोरनी एक सीजन में 1 या 2 बार क्लच दे सकती है। मोरनी के अंडे 28 से 30 दिन तक इंक्यूबेट होते हैं, लेकिन मोरनी एक ही समय पर 10 से अधिक अंडों पर बैठने में सक्षम नहीं होती। यदि बहुत अधिक अंडे हों तो चिड़ियाघर वाले आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन के प्रयोग से अंडों को इंक्यूबेट कर लेते हैं। मोरनी के अंडों को टर्की हेन एज ए फोस्टर मदर इंक्यूबेट कर सकती है, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर चिड़ियाघरों में मोरनी के अंडों के इंक्यूबेशन के लिए टर्की हेन को भी यूज़ किया जाता है। घोंसला बनाने से लेकर बच्चों के अंडों से निकलने फिर उन्हें चारा खिलाकर बड़ा करने तक का सारा काम अकेली मोरनी ही करती है। इस काम में मोर मोरनी की कोई मदद नहीं करता।